ओम शांति। आज एक बहुत ही वंडरफुल बात आपको सुना रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि नारद की पूजा क्यों नहीं होती है, हनुमान की पूजा क्यों होती है? नारद के लिए कोई मंदिर नहीं बनाया जाता है, हनुमान के लिए मंदिर बनाया जाता है, यह अंतर क्यों? जबकि हनुमान शक्ल बंदर जैसी है और उनकी पूंछ है, नारद को पूंछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उनकी पूजा नहीं होती, यह अंतर क्यों? नारद के लिए कहा जाता है नारद ब्रह्मा का पुत्र था और उनके पास ये सिद्धि थी कि वो तीनों लोकों में चक्र लगाता था, और हनुमान के लिए कहा जाता है हनुमान पवन का पुत्र था और हनुमान के पास ये सिद्धि थी वो चाहे छोटा बन सकता था चाहे बड़ा बन सकता था और उड़ने की सिद्धि भी थी, लेकिन वास्तव में इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन शास्त्र की कहावत है, जो भी हो हमें उसके भावार्थ को समझना है। हम ये कह रहे थे कि हनुमान की पूजा होती है, नारद की पूजा क्यों नहीं होती है? जबकि दुनिया में आप देखेंगे जानवरों की भी पूजा होती है, कोई गाय को पूजते हैं, कोई नाग को पूजते हैं, कोई पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, तुलसी के झाड़ को या वट के झाड़ को, कोई नदी को पूजते हैं। लेकिन हम ये कह रहे थे जो नारद की पूजा क्यों नहीं होती है? एक एग्जाम्पल में आपको एक छोटी कहानी सुनाते हैं। ये मालूम है नारद तीनों लोकों में चक्र लगाता था, तो तीनों लोकों का चक्र लगाते हुए एक बार वतन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि भगवान कुछ लिखने में व्यस्त हैं। तो उनको लगा कि भगवान क्या लिख रहे हैं, तो नजदीक जाकर भगवान को पूछते हैं कि भगवान आप क्या लिख रहे हैं? तो भगवान कहता है कि मैं उन्हों का नाम लिख रहा हूं जो सृष्टि में सबसे ज्यादा मुझे याद करता है। तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि मेरे से ज्यादा और कौन याद करता होगा, मैं ही तो नारायण नारायण दिन भर करता हूं। तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं देखूं मेरा नाम कहाँ है। तो भगवान से देखना चाहते हैं, तो भगवान उनको दिखाते हैं। उस लिस्ट में पहला नाम आता है नारद का। उसकी बड़ी खुशी हुई कि मेरे जैसा हो तो और कोई है ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा भगवान को याद करता हूं। फिर वो निकल पड़ता है, फिर वो तीनों लोकों का चक्कर लगाते हुए लंबे समय के बाद फिर वहां पहुंचते हैं। फिर भी देखते हैं कि भगवान कुछ लिख रहे हैं, लिखने में व्यस्त हैं। फिर उनकी उत्सुकता हुई, आज भगवान क्या लिख रहे हैं? फिर नजदीक जाकर भगवान को पूछते हैं कि भगवान आज क्या लिख रहे हैं? तो भगवान कहता है, आज मैं उन्हों का नाम लिख रहा हूं जिनको मैं याद करता हूं। उसके बाद फिर उनको इस उत्सुकता हुई कि मैं देखूं मेरा नाम कहाँ है, लेकिन भगवान दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो बहुत जिक्र करने के बाद भगवान दिखाते हैं, लेकिन उस लिस्ट में उसका नाम है ही नहीं, लेकिन उसमें पहला नाम आता है हनुमान का। तो ये कारण क्या है? हनुमान का नाम इसमें पहले क्यों आया? हमें दोनों का अंतर को समझना है। हनुमान ने ऐसा किया क्या जो लोगों ने उसकी पूजा करते हैं और भगवान भी उसको याद करते हैं? हनुमान ने कर्म किया, सेवा की, अर्थात उन्होंने देश के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन के बलिदान दिया। चाहे उसको सागर पार करना पड़ा, चाहे राक्षसों का सामना करना पड़ा, चाहे आसमान में उड़ना पड़ा, चाहे कोई पर्वत उठा के लाना पड़ा, जहां जैसे जरूरत पड़ी वैसे उन्होंने सेवा दी। कर्मों की पूजा होती है मित्रों। अब नारद की पूजा क्यों नहीं होते हैं? भले उनकी सिद्धि थी, तीनों लोकों में चक्र लगाता था, लेकिन उधर की बात इधर, इधर की बात उधर, लेकिन उन्होंने समाज के कल्याण के लिए ऐसा कुछ किया वो आज तक नहीं है, वो वर्णन नहीं करते हैं। इसमें हमें समझ में आना चाहिए कर्मों की पूजा होती है मित्रों, हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। बाकी धन दौलत वस्तु वैभव मान शान वो हमें दुनिया याद नहीं करेगी, लेकिन हमने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया? अगर हमने देश को कुछ दिया, समाज को कुछ दिया, तो भले हम शरीर छोड़कर चले जाएंगे लेकिन फिर देश हमें याद करेंगे।
ऐसे एग्जाम्पल में आप देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, मादर टेरेसा को देखिए, जो आज है नहीं उनको दुनिया याद करते हैं। क्यों याद करती हैं? देश के लिए उन्होंने कुछ किया था, समाज के लिए उन्होंने कुछ किया था, अपने जीवन की बलिदान दी, इसलिए जो दुनिया उसको याद करते हैं। इसलिए हम कैसे जीते हैं, क्या हमें मान सम्मान मिल रहे हैं, कितना हम सुख से जी रहे हैं, क्या हमें डिग्री मिली है, कौन सा बड़ा पद हमें मिला है, हमें ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हमने देश के लिए हमने क्या दिया, देशवासियों को हमने क्या दिया। अगर कुछ देकर जाएंगे तो हमें भी देश याद करेंगे। ओम शांति।